तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल साहिल फ्रेडिस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से इंडियन जो चैनल्स हैं वो बंद हो रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में चैनल्स लोग देखते हैं, इंडियन चैनल देखते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वहाँ की सरकार कर रही है। कैसे कर रही है पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में दें। दोस्तों पिछले कई दिनों से ये खबर निकल के आ रही है तमाम न्यूज़ चैनलों और फेसबुक और कुछ एक वेबसाइटों से कि पाकिस्तान में जो चैनल्स हैं चल रहे हैं, इंडियन जो चैनल चल रहे हैं उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, वहाँ पे जो सेटअप बॉक्स, इंडियन सेटअप बॉक्स चोरी छिपे लोग सेल करते हैं, उस पे बैन वहाँ की सरकार लगा कि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ के लोगों का साफ कहना है कि ना ही यहाँ पे कोई ढंग का चैनल है, ना ही यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का ढंग का चैनल है। तो ये लोग इंडियन जो चैनल्स हैं, जो सेलिंग वाले सेटअप बॉक्स हैं, अगर उसे बंद कर देते हैं तो हम लोग कैसे देखेंगे उस चीज़ को। या तो पहले वो वहाँ पे जो पाक सरकार है, या तो वहाँ पे इंडियन चैनल को लेके आए, कोई अच्छा चैनल लेके आए जहाँ पे वहाँ के लोग स्पोर्ट देख सके। लेकिन दोस्तों वहाँ की सरकार साफ कहती है कि इंडियन चैनलों पे भड़काऊ भाषण आते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आप करते हो उसी चीज़ को इंडियन जो चैनल्स हैं वो दिखाते हैं, कुछ गलत तो नहीं दिखाते हैं। अब आप जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। लेकिन वहाँ की पब्लिक का मुख तो अलग है, वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती ये सब। लेकिन वहाँ की सरकार, अब सरकार को क्या कहें, सरकार तो बहुत कुछ वहाँ की कर रही है वहाँ के लोगों के साथ। यानी कि आप इंडियन चैनलों को ना देखें, इंडियन चैनलों पर वहाँ पर बैन है पूरी तरह से। बाकी दोस्तों अब आते हैं इंडिया में, इंडिया में भी कुछ इसी प्रकार का माहौल है। माहौल इसलिए है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेटअप बॉक्स हैं जिनमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको पेड मोड पे लोग देखते और दिखाते हैं। तो हाल ही में कुछ एक छापे पड़े जिनमें कुछ एक दुकानदारों को इंडियन पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ एक कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइड में आपको कटिंग दिख रहा है। इस कटिंग को ही देख के आप बाकायदा समझ जाएंगे कि कौन सा सेटअप बॉक्स है जिसके कारण ये सब कहानियाँ उत्पन्न हुई। क्या आपको बेचना चाहिए ऐसे सेटअप बॉक्स या नहीं बेचना चाहिए, अगर आप दुकानदार हैं तो, चाहे आप इंडिया से हों या पाक से हों, अगर आपकी सरकार नहीं चाहती तो। दोस्तों यही सब माजरा है पाकिस्तान में। तो इस समय काफ़ी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई तो उन लोगों ने वहाँ के बारे में कुछ डिटेल बताया, कि डिटेल यही बताया कि बस वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेरी जान तो लाइक करो, शेयर करो, नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हो दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।